आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिवविनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। गांव के दबंगों ने किया आम रास्ता बंद, शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलसी के वार्ड नंबर 19 में मोहल्ला बोड़ियन खेरा के ग्रामीणों के द्वारा तहसील बलदेवगढ़, थाना बलदेवगढ़, अनुविभागीय अधिकारी बलदेवगढ़ के साथ कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की गई है कि हम लोगों के आवागमन का रास्ता दबंग व्यक्तियों द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आज तक हम लोगों की समस्या की सुनवाई नहीं की गई है। संबंधित शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय से पुनः अपील की है कि दबंग व्यक्तियों से रास्ता खुलवाकर आने जाने की सुविधा प्रदान करवाएं। रिपोर्ट शिवराज सिंह, RPKP इंडिया न्यूज, टीकमगढ़। कहाँ नाम है? कौन से गांव की? हम इतई के यहाँ बड़न खेर के। कहाँ है परेशान? परेशानी हमें गैल नैया निकल देगा, हम परेशान है बहुत ज्यादा। कोई आधी अधियारे में बीमार पड़ जाए, कोई मर जाए, कुछ हो जाए तो निकल नहीं सकते। यहाँ रास्ता है, पानी है, इजारा लगो है, चारा बड़ा बड़ा कितने से निकले हम गैल नहीं है। हम लोगों का निकल गए, ऐसे कहा थे कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ गौर नहीं हो रही है, कहूँ नहीं जा रहा साहब। ये इजारा के मारे कहूँ छुट्टी बैठी बच्चा, कहूँ जा नहीं रहे हैं। ये लोग परेशान है साहब रोड के वजह से। कौन से गाँव के? ग्राम पंचायत के, बेलसी पंचायत। क्या समस्या आ रही? समस्या यही है, सबके रास्ता आने जाने के लिए बहुत परेशान है। बिजली है सुबह नहीं आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, अब क्या करें। रास्ता जो थी पगडंडी रास्ता थी वही बंद हो गई है। अधिकारी लोगों को आपने आवेदन? जी सर, अधिकारियों को दिया है, SDM के पास गए, तहसीलदार जी के पास गए, हमारी रिपोर्ट थाने में पिछले साल लगाई गई थी। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं, तहसीलदार आए थे तो थोड़ी रास्ता खुलवा गए थे, वो भी गर्मियों में बंद कर दी है, अब निकल नहीं पाते हैं। कौन से गांव के हो? बड़ियान खीरा, भेलसी वार्ड नंबर 19। अच्छा, ग्राम पंचायत भेलसी। क्या है मामला? मामला ये है सर कि हम लोगों के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है जो यानी कि सतराई और बड़ेरा मार्ग पर मतलब क्रॉस होता है, तो वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि वहाँ तक जुड़ जाए रास्ता तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ शासन प्रशासन की है तो सर क्या है कि इसमें हम लोग पटवारी, तहसीलदार और कानी को और साथ में SDM साहब हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, और 15 तारीख को हम लोग कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम लोगों को समस्या अभी ये 13 तारीख से बनी हुई है समस्या, और पहले भी बनी थी तो तहसीलदार महोदय के द्वारा ही। बंद किसने कर दी है आपकी रास्ता? बंद किया है, इसमें है कली ये दौलत हैं, तो इनके 3-4 बच्चे हैं, तो इन लोगों ने बंद किया है, साथ में राम सेवक अहरवार भी है जो रास्ता निकले हैं। किसी ग्राम के हैं? कौन से? किसी ग्राम के नहीं, वो बड़ेरा पंचायत के रहने वाले हैं। कितने लोग यहाँ निवास करते हैं? यहाँ कम से कम 200 लोग निवास करते हैं, 200 वोटर हैं, एक वार्ड है पूरा 19 वार्ड। बच्चे स्कूल जा पाते हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं सर, आप समस्या देख लीजिए, वहाँ जेरा गड़े हुए हैं और जेरों पर से बच्चे का किसी का हाथ टूटता है, किसी का पांव टूटता है, ये समस्या आ रही है। और सतराई ग्राम पंचायत में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, तो बहुत नहीं सर, हम लोग अगर कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ से पैदल लेकर उनको खाट पे ले जाते हैं, तब वहाँ रोड पर जाते हैं, तब वहाँ से 4 पहिया का वाहन ले जाते हैं।